हेलो एवरीवन, आज हम लोग अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी और आज हम लोग मैटर वेव से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन जो है वो डी ब्रोगली से ही क्वेश्चन उठते हैं, बाकी किसी से क्वेश्चन नहीं उठेगा। और भी थ्योरी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उससे क्वेश्चन कम उठते हैं वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन कम आ रहा है। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये मैटर वेव्स का, जिसमें हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, मैटर वेव्स क्या है? तो मैटर वेव्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है, ठीक है, तो वो किसी न किसी वेव के साथ एसोसिएटेड रहता है। उसके साथ बोल सकते हैं कि आप कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड रहता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसी वेव को हम लोग बोलेंगे मैटर वेव, या उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेव्स, ठीक है। क्योंकि इसका थ्योरी जो है वो डी ब्रोगली सर का दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेव्स। और डी ब्रोगली वेव्स को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा डी से, ठीक है। उनका यह मानना था, डी ब्रोगली सर का मानना था, कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या जो मैटर वेव्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को हमने पी से डिनोट किया, तो लैम्डा डी ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जा रहा है एच, इस एच को हम लोग एक नाम देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस एच को हम एक नाम देते हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड, ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ देखिए, लैम्डा डी इक्वल टू एच बटा पी, अगर पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का, तो पी बराबर आपने पढ़ा होगा एम वी, तो यहाँ इस पी की जगह आप पुट कर दीजिए एम वी, तो लैम्डा डी बराबर फार्मूला हो गया एच बटा एम वी। अब यहाँ समझो नेक्स्ट चीज जो क्या पढ़ना है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो है, किसी भी बॉडी का कोई भी पार्टिकल है, अगर मान लीजिए वो पार्टिकल मूविंग है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में पढ़ा है, या फिर सुन लीजिए फिर से, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट जो है वो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वोल्ट यहाँ देखो, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो ये जो वी है इसको वोल्ट बोल रहे हैं, इसको वेलोसिटी बोल रहे हैं या स्पीड बोल रहे हैं, तो दोनों अलग अलग दिखे, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ दिया है ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला निकालते हैं या स्पीड का फार्मूला निकालते हैं, तो आप लिखेंगे 2 eV/m, मास ऑफ पार्टिकल, ये वोल्टेज ऑफ पार्टिकल, ये उसका चार्ज होगा। इसी फार्मूला में ये जो ई है, इसी के जगह पे आप चाहें तो वी बराबर अंडर रूट 2qV/m, ऐसा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ई है, ये ई क्या है, चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का हमने इस्तेमाल किया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट क्यू लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ समझो, काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी आपने मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला पी बराबर, मोमेंटम जो है वो पी बराबर होता है एम वी, तो यहाँ पर एक एम है और वेलोसिटी दो है, वी का स्क्वायर है तो दो ठो है। अगर एक और एम का जुगाड़ हो जाए, तो अगर एक और एम का जुगाड़ हो जाए, यह एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाए, तो ये भी पी स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए हम ऊपर में एक एम से और नीचे भी एक एम से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बन गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से पी का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 2mke, और ऐसा हो गया तो उस हिसाब से फिर लैम्डा डी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2mke, क्योंकि h बट्टा पी होता है, मोमेंटम होता है, और p बराबर दे रखा है अंडर रूट 2mke, काइनेटिक एनर्जी हमने पुट की है यहाँ। और इसी काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, या इसी इलेक्ट्रॉन के जगह पर आप क्यू, ये चार्ज पार्टिकल क्यू भी आप इसको लिख सकते हैं। अब जरा समझिए कि अगर वोल्टेज दिया होगा, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए वेलोसिटी दी जा सकती है, मोमेंटम दी जा सकती है ना, अगर आपको वोल्टेज दे दे, ठीक है ना, अगर वोल्ट दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया,
तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब यहाँ समझिए बात को, जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया है ना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन का निकालना हो 20 वोल्ट 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया हुआ है या 20 मिली वोल्ट दिया हुआ है तो आप 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, ये जो क्या है, ये है एंगस्ट्रम में, आप ये सारा फॉर्मूला एंगस्ट्रम में है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप निकाल सकते हैं, वेवलेंथ का यूनिट होता है, एंगस्ट्रम में निकालो, नैनोमीटर में निकालो, मीटर में निकालो, सेंटीमीटर में निकालो, वो तो क्वेश्चन में ऑप्शन जिस हिसाब से दिया होगा आप उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना रहा तब, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा कि लैम्डा डी ई बराबर, इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो एच अपॉन, आपको एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी है ना, और एच की वैल्यू मान लीजिए आपने पुट कर दी 6.636 × 10⁻³⁴ अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास पुट कर दिया 9.1 × 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया और यहाँ जो वोल्टेज दिया होगा वो वोल्टेज हम पुट कर देंगे तो इस तरह से रहेगा। तो कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इतने दूर के कैलकुलेशन को करके और फाइनली लिख दिया 12.27, ठीक है, 12.27 उसी फार्मूला को, यही जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे 150 वोल्ट × 1/2 यानी कि रूट के लिए 1/2 एंगस्ट्रम, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, 150 का रूट निकालिएगा तो लगभग 12.27 आता है, इसलिए यहाँ 12.27 दिख रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद रहते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद रहता है तो फिर इस तरह से आपको एक एक डाटा पुट करना पड़ेगा जो कि आपके लिए क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ, इसका ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए पहला सिस्टम लेते हैं, पहला फॉर्मूला लेमडा डी ई बराबर हमने पढ़ लिया एच बाई पी, पी जो है वो मोमेंटम है। अगर आपसे ग्राफ बोला जाता है कि ये ग्राफ प्लॉट करिए पी का और लेमडा डी ई का, ठीक है, मोमेंटम का और डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा डी ब्रोगली या डी ब्रोगली वेवलेंथ को आपने लिया वाई एक्सिस पर, तो वाई बराबर फार्मूला हो गया, इक्वेशन डेवलप हो गया वाई बराबर एच बट्टा एक्स, क्यों एच बट्टा एक्स, क्योंकि मोमेंटम को आपने लिया है एक्स एक्सिस पर, तो वाई बराबर एच बट्टा एक्स जो है ये क्या है, ये जो इक्वेशन बना, तो ये तो इक्वेशन बन गया आपको किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इक्वेशन किसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वाई इक्वल टू के बट्टा एक्स कोई भी इक्वेशन होगा ये हो जाएगा इक्वेशन किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो आप इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ये आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। अगर आपको बोला जाता है कि लेमडा डी ई और 1/p का ग्राफ खींचिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखो लेमडा डी ई बराबर हम लिख सकते हैं एच इंटू 1/p, ठीक है, लेमडा डी ई को हमने लिया वाई एक्सिस पर तो वाई बराबर एच, और इस बार पहले p था x एक्सिस पर लेकिन इस बार 1/p है तो इस 1/p की जगह आप लिख देंगे सीधा x, तो y इक्वल टू एच बट्टा एक्स जो है ये किसका इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैसा, तो स्ट्रेट लाइन वो भी पास करता हुआ कहाँ से, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन के लिए मान लीजिए इस तरह का दूसरा ग्राफ ऐसा दिया होता तो क्या करते, फॉर्मूला लेमडा डी ई बराबर एच बट्टा एम भी, अगर आपको ग्राफ दे दिया गया लेमडा डी ई और वेलोसिटी का, अगर आपको ग्राफ दे दिया गया लेमडा डी ई और 1/v का, 1/स्पीड 1/वेलोसिटी का, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेमडा डी को आपने लिया वाई एक्सिस पर तो वाई बराबर एच कांस्टेंट है, ये मास भी कांस्टेंट है,
और ये वेलोसिटी को आप लिए हैं एक्स एक्सिस पर, तो वाई इक्वल टू एच बट्टा एम एक्स हो गया। इसी को एच और एम दोनों कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू के बट्टा एक्स, और जो वाई इक्वल टू के बट्टा एक्स है वाई बराबर कांस्टेंट बाय एक्स, ये किसका इक्वेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो ग्राफ आपको इस तरह से हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप इसका प्लॉट करने जाते हैं तो 1 बाई वी को आप लिए हैं एक्स एक्सिस पर, तो आप ऐसा लिख सकते थे एच बट्टा एम इंटू 1 बट्टा वी वाई बराबर एच बट्टा एम इंटू एक्स वाई बराबर के एक्स, ऐसा आप लिख सकते थे। और ये y इक्वल टू के एक्स जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो आप इसको ऐसा लिखिए। आई वास में अब यहाँ देखो इसी में क्या किया जाता है कि अगर मास चेंज कर दिया जाए, ठीक है, अगर मास चेंज कर दिया जाए तो क्या करेंगे, है ना, मास बदल जा रहा है तो किस कंडीशन में, मास अगर किसी का ज़्यादा है किसी का कम है तो ग्राफ कैसा होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए फॉर दो ग्राफ अगर मास बदल रहा है, एक का मास ज़्यादा एक का मास कम, दोनों के ग्राफ को अगर बोल रहा है प्लॉट करने, तो आप इसी के साथ ऐसा एक और प्लॉट कर देंगे, इसी के साथ ऐसा एक और प्लॉट कर देंगे, है कि नहीं। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि किस किस वाले ग्राफ के लिए जो ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ स्मॉल मास के लिए है और कौन सा ग्राफ हैवी मास के लिए, तो जो ग्राफ ऊपर है वो कौन सा हो जाएगा स्मॉल एम के लिए, जो ग्राफ नीचे है वो किसके लिए हो जाएगा लार्ज एम के लिए। इसमें भी वही होगा, ये हो जाएगा स्मॉल एम के लिए और ये जो है ये हो जाएगा आपको किसके लिए लार्ज एम के लिए। अब यहाँ समझिए बात को, लेमडा डी ई का एच अपॉन एम वी के साथ जो आपने ग्राफ प्लॉट किया वो ग्राफ इसी तरह से है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर लेमडा डी का डी ब्रोगली वेवलेंथ का ग्राफ वेलोसिटी के साथ प्लॉट किए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 1 बाय वेलोसिटी के साथ प्लॉट किए तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर मास को बदल दिया जाता है, किसी का मास ज़्यादा बोल देता है किसी का मास कम बोल देता है, तो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन ही होगा, है कि नहीं। लेकिन दो दो ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, अब कैसे पकड़े, दे दिया आपको दो दो ग्राफ और बोलेगा किसका मास ज़्यादा है किसका मास कम है, मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि मैटर वन है यहाँ मैटर टू है, तो आप इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो M1 मास है जो पहले बॉडी का मास है वो क्या है कम है किससे M2 से। आया बात सुन में, पहले बॉडी का जो मास है वो कम है किससे M2 से। तो इस तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ का ग्राफ भी आप चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फोटोन क्या है आखिर। देखो फोटोन जो है ये कुछ नहीं है, ये है इनर्जी बंडल्स। इनर्जी का क्या है, ये बंडल है, पैकेट ऑफ इनर्जी है, इनर्जी को लेकर के ये क्या करता है ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। फोटोन का आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग रेस्ट मास एंड रेस्ट चार्ज ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास एंड रेस्ट चार्ज ऑफ फोटोन इज जीरो, मतलब कि फोटोन जो है वो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल, मतलब उसका रेस्ट मास, कहने का मतलब स्टेबल कंडीशन के अंदर उसका कोई मास नहीं है। लेकिन जब फोटोन पार्टिकल ट्रैवल करता है इस लाइट ऑफ स्पीड के साथ तो उसके पास कुछ ना कुछ इफेक्टिव मास होता है। इफेक्टिव मास क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी की स्पीड हम लोग लाइट के स्पीड के बराबर कर देंगे तो उस बॉडी का मास यानी कि वो बॉडी किस में कन्वर्ट कर जाएगी, इनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी, यानी कि आप मास को इनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ जो इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज एम, इसीलिए इनर्जी ऑफ फोटोन आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग इनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब यहाँ समझो ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर क्या इसको आप एम सी इंटू सी ऐसा लिख सकते थे, है ना। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि ये मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो गया पी सी, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं निकालना किसको, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी बराबर निकालना चाहते हैं तो आप लिख देंगे सीधा क्या ई बट्टा सी, पी बराबर क्या हो जाएगा आपका ई बट्टा सी हो जाएगा।
अब यहाँ समझो कि E बराबर एम सी स्क्वायर और E बराबर एक और फार्मूला होता था एच सी बाई लेमडा। अगर उससे आप जब कंपेयर करने जाएंगे तो वहाँ से भी आप लेमडा यानी कि वेवलेंथ जो है फोटोन का वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि E बराबर एम सी स्क्वायर है, मुझे बोल दिया गया कि ग्राफ प्लॉट करिए किसका, मास का और एनर्जी का, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसा होगा। अब यहाँ समझिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्क्वायर देख करके और बराबर के इस साइड स्क्वायर और इधर पावर वन देख करके पैराबोला में टिक मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ग्राफ पैराबोला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ देखिए आप, हमने लिखा ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई को आपने लिया वाई एक्सिस पर तो y बराबर, ये जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने वेरिएबल कैसे कंसीडर कर लिया? आप इसको वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पूरे c स्क्वायर को मान लीजिए, मास को लिया आपने x एक्सिस पर और इस c स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, तो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू k बाई x, y इक्वल टू kx, यानी कि y इक्वल टू kx का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यही k किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। तो इस ग्राफ में जो स्लोप है, इस ग्राफ में जो स्लोप है, जो टेन थीटा है, वो क्या है, सी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो थीटा है ये लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, टेन थीटा का स्लोप कितना, टेन थीटा मतलब स्लोप कितना, तो सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से आप ई बराबर एम सी स्क्वायर का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये था आपको मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक पार्ट थ्योरी हमने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किस तरह से रेडिएशन प्रेशर, किस तरह से फोर्स, किस तरह से इम्पल्स के कारण जो है वो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज होगा, किसी पार्टिकल के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो रेडिएशन प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण, इम्पल्स के कारण कैसे कैसे होगा, एब्जॉर्ब बॉडी के लिए कितना होगा, रिफ्लेक्टेड बॉडी के लिए कितना होगा, और पार्शियली रिफ्लेक्टेड या पार्शियली एब्जॉर्ब बॉडी के लिए कितना होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैटर वेव का थ्योरी भी खत्म हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का दो इंपॉर्टेंट चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म कर दूंगा। उसको आप अच्छे से पढ़ लें और फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, और क्वेश्चन का सेट तैयार भी है। क्वेश्चन के सेट के लिए आपको मैंने बार बार बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ, उस जब भी आपको न्यूमेरिकल का सेट चाहिए हो, आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके एक मैसेज कर दें, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, थैंक यू।